कोई भी घर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस देश को लूटने के लिए बने हैं। उनका आपने देखा होगा कि उसका कत्ल करने के बाद, उसकी गर्दन काटने के बाद उन्होंने देश को क्या संदेश दिया, ये पाकिस्तान से यहाँ विराजमान किए गए वो आतंकवादी हैं जिनका संरक्षण बड़े बड़े कांग्रेसी नेता करते हैं। इसलिए कांग्रेस से बचना चाहिए। देश की जनता का धन कांग्रेस लूटती है, देश की जनता का मन कांग्रेस लूटती है, देश की जनता की लज्जा कांग्रेस लूटती है, देश की रक्षा की दलाली कांग्रेस करती है, किसानों की दलाली कांग्रेस करती है। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो बॉर्डर पर टुकड़े टुकड़े भेड़ को बिठा करके और देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, किसानों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और किसानों का कभी कल्याण नहीं होने देते हैं। जब अच्छी योजनाएं बनती है उसका विरोध उनको करना होता है और संसद में भी वो संसद नहीं चलने देते हैं। आप लोग जागरूक होइए। मैंने कहा कि बता दीजिए राजकुमार, कांग्रेस के युवराज, उन्होंने एक ट्वीट किया, शांति बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए।